वैसे तो महाभारत अनेक बलशाली योद्धाओं से भरा पड़ा है, परंतु क्या आपको पता है किसी भी योद्धा की विजय उसके अस्त्र और शस्त्र से होती थी। आज हम बात करने वाले हैं गांडीव धनुष के बारे में, जो कि अर्जुन के पास था। गांडीव महाभारत काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धनुष था। एक समय घोर वन के अंदर कर्ण मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि सारा शरीर दीमक के द्वारा भाभी बना दिया गया। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उग आया। तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कर्ण की काया को कुंडल में बदल दिया, उन्हें अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कर्ण की मूर्धा पर लगी हुई बांस कोई समान नहीं हो सकती, इसका सदुपयोग करना चाहिए। उसे काट कर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उनसे तीन धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने शिवशंकर भगवान को समर्पित कर दिया। उसे भगवान शिवशंकर ने इंद्र को दिया और फिर बाद में अग्निदेव के द्वारा यह अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने इस धनुष के साथ असंख्य युद्ध जीते। यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली और सुदृढ़ था।